हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ उमेश यादव, बैंकिंग करियर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर का जो रिक्रूटमेंट आया है 2020 में, इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। इसमें जो टोटल पोस्ट आई है फ्रेंड, 154 पोस्ट है। कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी आई है उसको आगे हम डिस्कस करेंगे। इसकी जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद इसमें जो मंथली आपको सैलरी मिलती है वो कितनी मिलती है, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है, उसको सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आप 2020 में बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबके लिए काफ़ी अच्छा न्यूज है। और 2020 के शुरुआत में आपको इतनी अच्छे नोटिफिकेशन आई है नाबार्ड की, इसको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके और इस अपॉर्चुनिटी को आपको इसका बेनिफिट उठाना है, आपको इसमें सिलेक्शन लेना है। इसमें जो इनिशियली जो पेपर में जो ऐड आई थी, आज जो पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसमें जो डिटेल दिया हुआ था उसको हम डिस्कस करेंगे। और आगे आने वाले टाइम में जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें जो भी आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया रहेगा उसमें एग्जाम पैटर्न और इसमें बाकी कुछ जो डिटेल रहेगा, मैं आने वाले टाइम में इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जो इनिशियली जो इन्फॉर्मेशन इस एड में आई थी उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट आई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 154 पोस्ट थी, उसमें असिस्टेंट मैनेजर इन ग्रेड ए के लिए रूरल डेवलपमेंट इन बैंकिंग सर्विस में आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट है, 139 पोस्ट है। उसके बाद राज्यसभा सर्विस के लिए 8 पोस्ट है, लीगल सर्विस के लिए 3 पोस्ट है, उसके बाद प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए आपको 4 पोस्ट है, यानी टोटल पोस्ट मिलाकर के 154 है। इसमें जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी 2020 से लेकर के 31 जनवरी 2020 तक चलेगा। आपको 10 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन आपको करने पड़ेंगे। इसकी जो प्री और मेन की जो एग्जाम है, जैसे आपको नोटिफिकेशन आएगा उसमें डिटेल दिया रहेगा, उसको हम अगले वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे। इसमें जो सैलरी जो है, पर्क है, बेनिफिट जो मिलता है उसको हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो बेसिक पे है आपको 28,150 रुपीज पोस्ट ये पर मंथ है। इसमें टोटल आपको एडिशनल जो अलाउंस है बेनिफिट है उसको मिला दिया जाए तो आपको 60,000 यानी 60,000 के आसपास में आपको पेमेंट मिलता है पर मंथ। एक काफ़ी अच्छा इनिशियल जो मंथली ग्रॉस सैलरी है 60,000 के आसपास में मिलती है, एक काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी है फ्रेंड 2020 में। आप सबके लिए काफ़ी गुड न्यूज है, इसको अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है आपको। इसका यूटिलाइजेशन करके आप वो बेनिफिट लेकर के आपको सिलेक्शन लेना है। इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं तो नाबार्ड की जॉब काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है। आप यहाँ जॉब लेकर के आगे की प्रिपरेशन यूपीएससी हो गया या बाकी जो स्टेट पीसीएस वगैरह उसका आसानी से आप कर सकते हैं। दूसरे इसमें जो बेनिफिट मिलती है उसको देखते हैं। बैंक अकोमोडेशन आपको मिलता है, बैंक का जो अकोमोडेशन वो आपको मिलता है। उसके बाद आपको व्हीकल ऑफिशियल पर्पज़ के लिए आपको व्हीकल मिलती है, यानी गाड़ी आपको मिलती है। न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टेलीफोन, चार्जर जो है आपको ये सब बेनिफिट मिलती है। एज पर एलिजिबिलिटी आपको जो ग्रेड बी ऑफिसर को मिलती है उसमें आप एलिजिबल हैं तो ग्रेड ए ऑफिसर में आपका सिलेक्शन हुआ है तो इसमें भी आपको मिलता है। उसके बाद मेडिकल बेनिफिट आपको मिलता है, जो इंटरेस्ट फ्री जो फेस्टिवल एडवांसेस है वो भी मिलता है आपको, ट्रेवल जो कंसेशन है वो भी मिलता है आपको। उसके बाद आपको लोन एंड एडवांसेस एट का जो कंसेशनल रेट है यानी इंटरेस्ट जो रेट है, हाउसिंग, कार, एडुकेशन फॉर योर चिल्ड्रन, ये सब इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। यानी एक नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर में आपका सिलेक्शन होता है तो काफ़ी अच्छा आपको सैलरी, बेनिफिट सब मिलता है। तो 2020 में फ्रेंड एक काफ़ी आप सबके लिए अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इसको अच्छे से स्टडी करके आप निकालिए। मेरे बैंकिंग करियर चैनल से आप जुड़िए, जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा आपको मैं प्रोवाइड करते रहूँगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।